हेमंत सोरेन जिनके इस्तीफे के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ झारखंड में, उन हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम अब रवाना हो चुकी है विधानसभा के लिए। ईडी की टीम उन्हें लेकर जा रही है, अदालत से विशेष इजाजत मिली थी हेमंत सोरेन को विधानसभा में शक्ति परीक्षण फ्लोर टेस्ट जो होने वाला है उसमें शरीक होने के लिए। लिहाजा ईडी के अधिकारियों की निगरानी में हेमंत सोरेन पहुंचेंगे विधानसभा और उसके बाद ईडी की टीम उन्हें विधानसभा के मार्शल्स के हवाले करेगी जो उन्हें इस विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अपने साथ रखेंगे, यानी उनकी निगरानी में वो रहेंगे। और आज झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, 11 बजे का करीब वक्त है और इस फ्लोर टेस्ट के अंदर हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफे के बाद में चंपाई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 2 फरवरी को चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ जरूर दिलाई गई, लेकिन आज हेमंत सोरेन का के इस्तीफे के बाद जो चंपाई सोरेन सरकार बनी है उसका शक्ति परीक्षण है, यानी उसे विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। इस बहुमत के शक्ति परीक्षण से पहले किस तरीके से हलचल तेज है लगातार उसकी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। झारखंड में आज फ्लोर टेस्ट होना है और विपक्ष की एकजुटता के लिहाज से भी ये बड़ा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। और इसी घटनाक्रम के बीच में आपको बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। वहीं झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि जेएमएम अपने विधायकों से ही डरी हुई है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। अब कोई आदमी भ्रष्टाचार करे और उसके बाद सेंट्रल एजेंसी काम नहीं करे, ये तो हो नहीं सकता ना। सेंट्रल एजेंसी ने उनको बुलाया था कई बार, भाई आप अपना जवाब दो, और वो भ्रष्टाचार में अगर नहीं लिप्त है तो उनको तो बहुत पहले ईडी के सामने पेश हो जाना चाहिए था। इसलिए भ्रष्टाचार पे और इस भ्रष्टाचार को लेकर के जो विपक्ष के दूसरे लोग हैं जो उनको मदद कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि सारे जो भ्रष्टाचार में काफी लिप्त लोग हैं या जिन पे आरोप लगे हैं वो सब एक हो जाते हैं। ये ठीक दिशा नहीं है ना। आप भ्रष्टाचार पे किसी सेंट्रल एजेंसी ने नोटिस दिया, आप जवाब दीजिए ना। बीजेपी का रुख स्पष्ट है, अभी जा रहे हैं, अभी हम लोगों ने बैठक रखा है, ठीक है ना। अभी सब विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप, अपने विधायकों से डरे हुए हैं कि उनके विधायक कहीं इधर उधर ना भाग जाए, इसलिए वो उन लोगों पर पहरा लगा रहे हैं। हम लोग तो बोल रहे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तभी ये स्थिति पैदा हुई है। बीजेपी खरीद लेगी। अरे हम लोगों पर कहाँ पैसा कौड़ी लौट आए, कह रहे हैं केंद्र में सत्ता है, हर जगह सत्ता है। Z News।